चुनावी रंजिश के चलते बदमाशों ने महिला प्रधान के पति पुत्र सहित चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने चारों पर जमकर गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गए। वही घटना के बाद आनन फानन में पुलिस और डीएम सहित एसपी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित की है। उधर आरोप है कि पुलिस को घटना से पहले सूचित किया गया, लेकिन पुलिस के देर से पहुंचने से वारदात हुई। उधर वारदात के बाद पुलिस का कहना है कि यह घटना चुनावी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रधान का पुत्र सुनील आरोपी महेश की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी करने को कह रहा था, जिसके चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। इन्होंने धोखे से इसके साथ भैया के पास में गोविंद नाम का लड़का था जी, जो महेश का साला है, वो रहने लगा था जी। उसने सारी मुखबरी की, 10 मिनट पहले वो घर से उठ के गया और उठ के जाने के बाद ये सारे मिल के आए और सीधे घर में घुसे, भैया को गोली मारी, सबसे पहले 10 गोलियां उनके मारी। उसके बाद जैसी मम्मी भागी, मम्मी को गोलियाँ मारी 3। थाना संभल में कुल फतेहगढ़ के अंतर्गत ये घटना हुई है आज शाम को 7:30 बजे के आसपास में, जिसमें घर में घुस करके लगभग 12-13 लोगों ने घर में घुस करके और 3 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी और एक आदमी सीरियसली इंजर्ड थे, जिनका हॉस्पिटल में जाकर के डेथ हो गई है। जो लोग मरे हैं उनमें एक तो दिसंबर सिंह है, एक दिसंबर सिंह की पत्नी है शकुंतला देवी और एक उनके पुत्र हैं सुशील और सुनील। 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें जो वर्तमान में प्रधान हैं शकुंतला देवी, उनके पति विश्वंभर सिंह, उनके 2 बेटे सुशील और सुनील की, और पूर्व प्रधान जो प्रधानी के लिए लड़ा था जो रनर था उसके द्वारा हत्या की गई है। इसमें प्रधानी की रंजिश के साथ साथ एक लड़की के प्रेम प्रसंग का भी मामला था। रजनेश हमारे रिपोर्टर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनेश, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो शकुंतला देवी है, इन्हें एक प्रधानी का इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन एक सुरेश और एक महेश को दोनों भाई ये उनके विपक्ष में रहती है, प्रधानी का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन शकुंतला देवी का एक बेटा सुशील कुमार जो था वो सुरेश की लड़की से प्रियंका से प्रेम करता था। उसने अभी दीपावली से पहले कोर्ट मैरिज भी की थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद में इन परिवारों में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया था, लेकिन कुछ समस्या समाधान करने के बाद सुरेश ने उनको बताया कि हम अपनी लड़की का हाथ आपके हाथ में दे देंगे और लड़की को वापस कर दिया जाए, तो लड़की को उसने वापस कर दिया गया। लेकिन दीपावली के जैसे ही आज का जो कल शाम का समय था, ये तो सब लोग दैनिक दिनचर्या की तरह घर में आना जाना था, लोग घूम रहे थे, तभी 10-12 लोग समस्या बंदूक लेकर के आए, लेकिन जो प्रियंका का भाई गोविंदा था वो सुशील के पास बैठा था, क्योंकि वो उसका प्रेमी था। उसने पूरी लोकेशन बताई, घर में किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे 10-12 लोग आए, जो भी सामने आए उसको गोलियों से घूमते चले गए, जिसमें प्रधान मौजूदा प्रधान शकुंतला देवी और उसके पति और उसका बेटा सुनील और सुशील की मौके पर मौत हो गई, लेकिन सुनील को अस्पताल उसका दोस्त ले जा रहा था, लेकिन अस्पताल में जो दोस्त उसको लेके गया था उसने पुलिस ने उसको रोक करके ही उसको उल्टा बंद कर दिया, जिससे उसका खून ज्यादा बह गया और अस्पताल जाते ही उसकी मौत हो गई। रजनेश, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस तो अपना पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल में हमारी जो टीवी में हमारी खबर चलने के बाद में उसको एसओ को और सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन लोगों की जो रुचि उसकी मृतका की जो बेटी थी बच्ची लड़की रुचि, उसने बताया कि मैंने 100 नंबर पर कॉल की लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया, और उन्होंने उसका नंबर था उसका भी कॉल की लेकिन किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। हो सकता है कि अगर पुलिस फोन उठाती, अगर थोड़ी सी उसमें दिलचस्पी दिखाती तो मुझे लग रहा है कि दो या एक लोग की जान अवश्य बच जाती, जिससे कि पुलिस की तरफ लोगों का बड़ा खासा गुस्सा है, लेकिन पुलिस अपनी बातें बना करके अपना पल्ला झाड़ती। चलिए रजनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।